हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा के विषय प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 9 चोंच और पंजे में आने वाले पाठ को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको भी अच्छी तरह से लिखना भी सीखेंगे और समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं पाठ 9 चोंच और पंजे, यानी कि इस वीडियो में हम पक्षियों के चोंच और पंजों के बारे में ही जानने वाले हैं कि उनकी चोंच कैसी होती है, पंजे कैसे होते हैं। सभी पक्षियों की चोंच और पंजों में अंतर होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कबूतर दिखा रखा है ना, ये कबूतर है और ये कबूतर की चोंच दिखा रखी है। देखो, कबूतर की चोंच इस तरह की होती है और कबूतर का जो पंजा है वो इस तरह से होता है। ये देखिए, दिख रही है ना कबूतर के पंजे। अब इसी तरह से ये कौन सा पक्षी है बताओ, ये है कौवा। और कौवे की चोंच कैसी होती है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मुड़ी हुई है ना। चोंच का क्या मतलब होता है पता है? चोंच का मतलब है इनकी ये, इनका ये मुंह होता है जिससे ये खाना खाते हैं। और ये देखो, ये है पंजे, पंजे का मतलब है ये इनके पांव होते हैं। अब आगे जैसे कि है ये शक्करखोरा, शक्करखोरे की चोंच देखो कितनी लंबी सी होती है और इनके पंजे जो है इस तरह से मुड़े हुए होते हैं। ये है बतख, और बतख की चोंच देखो ऊपर की तरफ थोड़ी सी उठी हुई होती है। और यहाँ पर देखो इनके पंजे कैसे होते हैं, ये कुछ अलग से ही पंजे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ये कौन सा पक्षी है बताओ, ये है तोता, और ये तोते की चोंच जो है वो इस तरह से मुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर पंजा देखो, पंजा जो है वो तोते का इस तरह से होता है। ये है बाज, और ये बाज की चोंच देखो किस तरह से दिखाई दे रही है, और ये है बाज के पंजे। अब आगे है ऐसा करो, चित्र में दिए पक्षियों में से तुमने जिनको देखा है उन पर टिक का निशान लगाओ और तालिका को पूरा करो। पक्षी का नाम, तो बच्चों आपको पक्षी का, जिस भी पक्षी को आपने देखा है, जैसे मान लो आपने देखा है कौवे को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौवा। और रंग कैसा होता है इसका, रंग होता है काला। और आवाज़ कैसी होती है, ये काव काव करता है ना, तो काव काव की आवाज़ होती है। क्या खाता है, ये दाने खाता है। कहाँ देखा है वो लिखेंगे, यानी आपने पेड़ पर देखा है, छत पर देखा है, या आपने अपने घर की मुंडेर पर देखा है, तो आप यहाँ पर आपको लिखना है कि कहाँ पर देखा है। घोंसला देखा है या नहीं, तो वो भी लिखना है आपको कि घोंसला देखा है या नहीं। जैसे कि घोंसला नहीं देखा तो नहीं लिखना। इसी तरह से और भी पक्षी, तीन पक्षियों के नाम आपको और भी लिखने हैं जो आपने देखे हैं। आगे इन पक्षियों की चोंच और पंजों के चित्र कॉपी में बनाओ, और इन पक्षियों के ऊपर वाले जो ये पक्षी आपने देखे हैं उनकी चोंच और पंजे आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। आगे अब कौवे की चोंच के बारे में पढ़ते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसी के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, गोलू अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी वहां एक कौवा आकर बैठा। गोलू ने देखा उसने अपनी चोंच में एक चूहा दबा रखा था। उसने माँ से पूछा, क्या कौवा चूहा भी खाता है, कल तो मैंने एक कौवे को रोटी खाते हुए देखा था। माँ ने बताया, कौवा रोटी तो खाता ही है, वह अपनी पैनी कठोर और मजबूत चोंच से मरे हुए चूहे और पक्षियों के अंडे भी खा जाता है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या क्या खाता है कौवा। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। कौवा रोटी तो खाता है, साथ ही इसकी जो चोंच है वो पैनी भी होती है, कठोर भी होती है और मजबूत भी, इस वजह से वो मरे हुए चूहे भी खा लेता है और पक्षियों के अंडे भी खा जाता है। आगे सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी किसी कौवे को कुछ उठाकर ले जाते हुए देखा है, यदि हाँ तो कहाँ और कौन सी चीज़ उठाई थी। तो आपको ये यहाँ पर जरूर लिखना है बच्चों, अगर देखा है तो लिखोगे हाँ मैंने कौवे को जैसे कुछ भी सामान उठाकर जाते हुए देखा है, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने वो उठाकर ले जाते हुए देखा है, और कहाँ देखा है ये भी लिखना है। आगे, क्या कभी कौवे ने तुम्हारी खाने की कोई चीज़ उठाई है, यदि हाँ तब तुम्हें कैसा लगा। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ कौवा जैसे कि मेरी प्लेट से एक रोटी का टुकड़ा उठा कर ले गया था, या जब ले गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, या फिर मुझे बहुत गंदा लगा था। इस तरह से आप को है जो है जैसा भी आपको लगा हो आपको इस क्वेश्चन में वैसा ही लिख देना है।
आगे देखिए, तोते की चोंच। रोहित को रोजाना अपने बाग में अमरूद कुतरे हुए मिलते। एक दिन उसने छुपकर देखा कि कुछ तोते अपनी नुकीली व मुड़ी हुई चोंच से अमरूद खा रहे थे। तो आपको पता है बच्चों, तोते जो है अमरूद बड़े चाव से खाते हैं, उनको अमरूद बहुत पसंद होते हैं। यहाँ पर देखो इस चित्र में, ये तोता है अमरूद खा रहा है ना। सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कभी तोते को फल कुतरते हुए देखा है? यदि हाँ तो कौन सा फल? तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, जो भी फल आपने कुतरते हुए देखा है तोते को, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने भी अमरूद कुतरते हुए जो है वो तोते को देख रखा है। अब है, तोते के अलावा और कौन से पक्षी फल कुतरते हैं? कौन से पक्षी फल कुतरते हैं बताओ? तोते के अलावा चिड़िया भी कुतरती है ना, और जो भी पक्षी अगर आपने देखे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, ऐसा करो, दिए गए चित्र में रंग भरो। यहाँ पर देखो, ये एक चित्र दे रखा है। किसका चित्र है बताओ? चित्र है तोते का। और तोते में कैसा रंग होता है? यहाँ पर आपको ग्रीन कलर भरना है, ग्रीन कलर का होता है। उसकी चोंच जो है आपको वो रेड कलर की करनी है, ठीक है? लाल और हरा रंग तोते में भरना है। और यहाँ ये जो टहनी है इसमें आपको भरना है ब्राउन कलर। अब आगे है, पता करो, तोता फलों के अतिरिक्त और क्या क्या खाता है? फलों के अतिरिक्त और क्या क्या खाता है पता है? मिर्च भी खा लेता है। अब आगे है, फूलों पर शक्कर खोरा। प्रियंका आज सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गई। स्कूल की फुलवारी में उसने देखा कि एक पक्षी अपनी चोंच को बार बार फूल के अंदर डाल रहा था। यह देखकर उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम यह कौन सा पक्षी है? इसकी चोंच तो बहुत लंबी है। अध्यापिका ने बताया, यह शक्कर खोरा है। यह अपनी लंबी और पैनी चोंच से फूलों का रस आसानी से चूस लेता है। तो यहाँ पर देखो, अब इस पिक में ये कौन सा पक्षी नजर आ रहा है पता है? ये है शक्कर खोरा। और इसकी चोंच देखो कितनी लंबी चोंच है ना। और चोंच को बार बार फूल के अंदर डाल डाल कर ये क्या करता है बताओ? फूल का रस आसानी से चूस लेता है, क्योंकि इसकी चोंच जो है वो लंबी होती है। अब है, सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी शक्कर खोरा देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? ये आपको बताना है, शक्कर खोरा देखा है तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। कहाँ देखा है ये भी लिखना है। आगे, शक्कर खोरे के अलावा और कौन से जीव फूलों का रस चूसते हैं? तो फूलों का रस जो है वो मधुमक्खियाँ भी चूसती हैं, है ना। तो हम लिखेंगे मधुमक्खी, और तितली भी जो है वो फूलों का रस चूसती हैं। आगे, यदि फूल ना हो तो शक्कर खोरा क्या खाएगा? बच्चों, फूल ना हो तो शक्कर खोरा क्या खाएगा बताओ? शक्कर खोरा फिर कीड़े मकोड़े भी खा सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कीड़े मकोड़े। देखिए रकोण आ गया। ऐसा करो, शक्कर खोरे की चोंच और पंजों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको शक्कर खोरे की चोंच का चित्र बनाना है और यहाँ पर पंजों का चित्र बनाना है। आगे है, जोहड़ के समीप बगुले। आपने बगुले देखे हैं बच्चों? यहाँ पर देखो, सबसे पहले पिक देखो बगुले की, ये रहे है ना। और हमें ज्यादातर ये पानी में ही दिखाई देते हैं, पानी में ही इनका भोजन मिलता है। आगे यहाँ पर देखो कि फारूक के स्कूल के रास्ते में एक जोहड़ है। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने वहां कुछ बगुले देखे। उसने देखा कि एक बगुले ने अपनी लंबी चोंच पानी में डाली और चोंच से एक मेंढक को पकड़कर ऊपर ले आया। घर आकर उसने अपने अब्बू से बगुले के बारे में पूछा। अब्बू ने बताया, बगुला अपनी लंबी चोंच से पानी के अंदर से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। बगुले की टांगे लंबी तथा पंजे चपटे होते हैं, वे कीचड़ में नहीं धंसते। बतख, जल मुर्गाए आदि पक्षियों के पंजों में झिल्ली होती है, जिसकी सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं। इनकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है, चोंच के दोनों तरफ छिद्र होते हैं। आगे है, अब बताओ, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या जोड़ है? यदि हाँ तो तुमने वहां कौन से जीव देखे हैं? तो बच्चों आपको बताना है कि वहां पर आपने कौन कौन से जीव देखे हैं अगर जोड़ है तो। क्या तुमने पक्षियों को पानी में तैरते हुए देखा है? किस किस को देखा है? कौन कौन से पक्षियों को पानी में जो है वो तैरते हुए देखा है बताओ? बतख भी तैरती है और
जो भी देखा है ना बच्चों आपको वही लिखना है। जैसे कि जल मुर्गाई होती है वो भी पानी में तैरती हैं। अब आगे है, यदि जोहड़ और तालाबों में पानी ना हो तो बगुले अपना भोजन कहाँ से लेंगे? तो भोजन कहाँ से लेंगे बच्चों, पता है? बगुले जो है वो भोजन अपना पानी से ही लेते हैं। अगर जल पानी में जोहड़ और तालाबों में पानी नहीं होगा तो बगुले तो मर जाएंगे। आगे है, ऐसा करो, 1 से 13 तक की संख्याओं को मिलाओ, कौन सा पक्षी बना? इसमें अपनी पसंद का रंग भरो। ये काम आपको खुद करना है बच्चों। 1 नंबर से, यहाँ पर देखो ये रहा 1 नंबर, 1 से मिलाया 2, 2 से मिलाया यहाँ पर 3, इस तरह से मिलाकर आपको ये एक पक्षी तैयार करना है और फिर देखना है कि ये कौन सा पक्षी है। आगे यहाँ है कि यह भी जानो, सलीम मोइजुद्दीन अली भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। पक्षियों पर लिखी उनकी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान में काफी मदद की। उन्हें भारत के ब्रडमैन के रूप में जाना जाता है, बर्डमैन के रूप में। तो ये यहाँ पर देखो, बर्डमैन जो है बच्चों ये कौन है पता है? सलीम मोइजुद्दीन अली, ये है भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। ओके, आगे है, चोंच से उठाए गेहूं के दाने। जमाल की अम्मी ने गेहूं धोकर आंगन में सूखने के लिए डाले, जमाल के तो मजे हो गए। वह गेहूं के दानों से कभी पहाड़ बनाता तो कभी अपना नाम लिखता। तभी 2-3 गुरैया आई और अपनी छोटी और मजबूत चोंच से दाने चुगने लगी। जमाल उन्हें दूर से देखता रहा, उसने उन्हें उड़ाया नहीं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये रही 2 छोटी छोटी गुरैया, है ना, ये क्या करने आई है? जमाल की अम्मी ने जो गेहूं धोकर सुखाए थे उसमें से कुछ दानों को चुगने के लिए आई है। आगे है, सोचो और लिखो, तुमने किन पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा है? दाना चुगते हुए जिन भी पक्षियों को आपने देखा है बच्चों, उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे कि आपने देखा है चिड़िया को दाना चुगते हुए देखा है, या फिर आपने कौवे को दाना चुगते हुए देखा है, या इस तरह से जो भी पक्षी आपने देखे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। क्या कभी तुमने पक्षियों को दाना डाला है? यदि हाँ तो कब और कहाँ, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। पक्षियों को दाना डालना कैसा लगा? तो आप लिख सकते हैं कि मुझे दाना डालना बहुत अच्छा लगा। आगे है, बाज ले उड़ा रानी का हार। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक बाज नजर आ रहा है ना, और यहाँ लिख रखा है कि छुट्टियों में सलीम अपने अब्बू के साथ अपनी खाला जान के घर गया हुआ था। एक दिन खाला जान ने सलीम को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, देखो क्या कहानी सुनाई, कि एक बाज रानी का हार उठा ले गया। उड़ते उड़ते उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और मांस के टुकड़े को अपने पंजों के बीच में दबाकर उड़ गया। सलीम ने अपनी खाला जान से पूछा, बाज ने हार को छोड़कर मांस का टुकड़ा क्यों उठाया? खाला जान ने बताया, मांस बाज का भोजन है। वह अपने मजबूत व पैने पंजों से शिकार को पकड़ता है, फिर अपनी नुकीली पैनी व मजबूत चोंच से उसे चीर कर खाता है। सलीम बोला, फिर तो बाज ने हार भी अपने पंजों से ही पकड़ा होगा। खाला जान बोली, हाँ सलीम, बाज जिंदा या मरे हुए जानवरों को अपने पंजों में पकड़ लेता है। अब यहाँ है कि यह भी जानो, सफाई के फरिश्ते गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। यहाँ पर देखो इस पिक्चर को, ये इसमें गिद्ध की पिक्चर जो है आपको दिखाई गई है। इस तरह वे वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं और वातावरण की सफाई भी करते हैं, वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। यदि किसी जानवर को उसकी मृत्यु से पहले डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई हो, कौन सी दवाई है? डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई हो, तो उसका मांस खाने से वह दवाई गिद्ध के शरीर में चली जाती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। वन विभाग हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से पिंजौर के जोधपुर गांव में पहला गिद्ध देखभाल केंद्र खोला गया। आजकल यहाँ गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया जाता है। आगे चर्चा करो, जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो किस तरह से उपयोगी है पता है?
हाँ, वो क्या करते हैं, वे वातावरण में बदबू फैलाने से बचाते हैं और हमारे लिए सही वातावरण जो है वो बनाते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका और बचा हुआ जो पार्ट है उसमें आने वाले क्वेश्चन आंसर सब अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।